कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के साथ में बीच में मीटिंग थी मेरी, तो उन्होंने कंटेमिनेशन फ्री कॉटन में किस तरह काम कर सकते हैं उसके सुझाव लेने के लिए मुझे बुलाया था। उन्होंने एक नई बात बताई कि कॉटन सीड ऑयल से साउथ में बहुत ही फेमस शीरा बनता है जो सिर्फ प्रसाद में यूज होता है। मैंने बोला कॉटन सीड ऑयल इतना कुकिंग में यूज होता है क्या? वो बोले नहीं, डेफिनेटली होता है, और साउथ में तो मदुराई में जो बड़े बड़े मंदिरों में जो शीरा बनता है वो कॉटन सीड ऑयल से ही बनता है। इससे थोड़ी मेरी उत्सुकता बढ़ी और मैंने थोड़ा स्टडी किया कि वर्ल्ड में कॉटन सीड ऑयल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आपको तो मालूम ही होगा दोस्तों, लेकिन मैं ये आपको दोबारा बता रहा हूँ, बिकॉज मैं तो कॉटन सीड ऑयल में नहीं हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट और एज अ उपभोक्ता मुझे जानना जब उत्सुकता बढ़ा लगा, तो यही बात आप प्रमोट भी कर सकते हैं कि कॉटन सीड ऑयल की ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि लोग इसको इतना यूज कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं वर्ल्ड में भी। अमेरिका उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अमेरिकन अगर कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो बहुत ही जांच परख के यूज करते हैं। वो अगर कॉटन सीड ऑयल का इतना सारा उपयोग कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ तो ऐसा है, और कुछ क्या है? कॉटन सीड ऑयल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई। एंटी ऑक्सीडेंट और विटामिन ई नॉर्मल फूड से हमें नहीं मिलता, इसके लिए नॉर्मली हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। फूड सप्लीमेंट में ये सिर्फ कॉटन सीड ऑयल जैसे एक दो चीज़ों में ही अवेलेबल है, तो कॉटन सीड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट इस तरह है। कॉटन सीड ऑयल में कोलेस्ट्रॉल बहुत लो है। मैंने इधर आके बहुत लोगों से बात की तो पता लगा कॉटन सीड ऑयल का एकमात्र नहीं सबसे बड़ा वायर गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा चीज़ जो कॉटन सीड ऑयल पर बनती है वो है फरसाण, मतलब जो नॉर्मल मार्केट में बिकने वाली रोज चीज़ें हैं ना वो कॉटन सीड ऑयल से बनाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल कम है, हार्ट फ्रेंडली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं लो कोलेस्ट्रॉल बोल के, लेकिन ये नेचुरली लो कोलेस्ट्रॉल है, और प्रोसेस स्पेशली फॉर वास्ट एप्लीकेशन, गुड सब्सटीट्यूट फॉर कोको बटर इन कन्फेक्शनरी। कोको बटर आज यूरोप में और अमेरिका में वो दूर भागना चाहते हैं कोको बटर से, हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, और कॉटन सीड ऑयल को वो रिप्लेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसके यूसेज समझना होगा हमें। इसका लाइट टेक्स्चर है, लाइट न्यूट्रल टेस्ट है, ज़्यादा स्मेल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं कॉटन सीड ऑयल में जिससे वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट कर रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे हाई स्टैंडर्ड फूड में रखने वाले देश भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर भारत में इसका यूज उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है गुजरात के बाहर। तो ये इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? जैसे मैं अगर रुई के व्यापार में हूँ और मैं अगर सिंथेटिक ही पहनता हूँ तो मैं कैसे दूसरों को बोल सकता हूँ कि भाई आप रुई के रुई खरीदिए या फिर रुई के कपड़े खरीदिए? ये अपना दायित्व है। मैं अगर रिटेल शॉपकीपर हूँ तो मैं रोज ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन परचेज रोज करता हूँ, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि कस्टमर मेरी दुकान तक चल के आए? मेरी मानसिकता ही ऑनलाइन कस्टमर की हो जाएगी। या तो मैं ऑनलाइन ट्रेड में चेंज हो जाऊँ, या तो मैं रिटेल में कैसे बिजनेस बढ़े इस मानसिकता के साथ में बिजनेस करूँ। तो ऑयल सीड में जो व्यापारी भाई हैं और ऑयल में जो व्यापारी भाई हैं, सबसे ये मेरा निवेदन है कि उसके जितने जितने उपयोग बढ़ सके खुद से शुरू करके एसोसिएशन के माध्यम से उसका प्रमोशन करें, उसके जो बेस्ट बेनिफिट्स लोगों की हेल्थ के लिए हैं वो देश भर में प्रचारित होने चाहिए। वेयर इंडिया स्टैंड्स इन कॉटन, सबको मालूम है इंडिया कॉटन में नंबर वन प्रोड्यूसर है 2014 से। गवर्नमेंट की वेबसाइट में ये 2016 में चेंज हुआ। हम बार बार कह रहे थे सर इंडिया इज नंबर वन सिंस 2014, बोले नहीं नहीं हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने चाइना से अपने फिगर मंगाए खुद के, इंडिया के तो फिगर इंडिया के पास थे। चाइना ने जब बोला नहीं हम आपसे कम प्रोड्यूस करते हैं, तब अपनी गवर्नमेंट ने माना। 2016 से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये भी आ रहा है कि इंडिया नंबर वन है, 2014 से इंडिया नंबर वन है। और ये बाय डिज़ाइन नहीं है, ये बाय एक्सीडेंट है, ये हमने प्लान नहीं किया, किसान ने चूज़ किया। तो ये अपने सबके लिए अच्छी बात है कि किसान को भी कपास के व्यापार में फ्यूचर लग रहा है, इसलिए वो कपास के व्यापार में है। तो इससे रुई का व्यापार और ऑयल सीड के व्यापार की सेफ्टी बढ़ती है कि भाई इंडिया कॉटन में नंबर वन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, इंडिया कॉटन में नंबर टू कंज्यूमर है वर्ल्ड में, और कॉटन सीड ऑयल और कंजम्पशन में इंडिया टॉप फाइव रहा है कुछ सालों से। ये हमें गर्व लेने वाली बात है, इसी का हमें उपयोग अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट,
मिस्टर ऑफ इंडियन कॉटन सीड ऑयल, सिंपल कहूँ तो इट लुक्स गुड। चैलेंजेस तो रोज आते हैं, आज एक छोटी दुकान लेके बैठो या फिर वॉलमार्ट जैसा बिजनेस लेके बैठो, चैलेंजेस सबको आते हैं। छोटे जीनर को आते हैं तो वर्धमान जैसी मिल को भी आते हैं। चैलेंजेस किस बिजनेस में नहीं है, पर समय के हिसाब से जो अपने आप को चेंज करता है और मॉरल और वैल्यूज पे अपना फाउंडेशन को और मजबूत बनाए रखता है, उसके लिए ये चैलेंजेस डे टू डे इश्यूज हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने लास्ट बजट के बाद इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, ये अच्छी बात है। एंड उस सब कुछ देखते हुए कि अच्छा क्रॉप है, फार्मर भी कपास ज़्यादा उगा रहा है, सीड की अवेलेबिलिटी अच्छी दिख रही है, अच्छी रहने वाली है, और गवर्नमेंट भी प्रो इंडस्ट्री दिख रही है अभी, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे बिजनेस को उसका डायरेक्ट बेनिफिट हो? इसके लिए कुछ सवाल है मेरे पास, तो अगर आप मुझे जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा है। ये सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं, एसोसिएशन से पूछ सकते हैं कि ये जानकारी हमें लाके दीजिए ताकि हम अपना बिजनेस प्लान कर सके। व्हाट विल बी द मार्केट साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ आवर बिजनेस इन 2018-19? लास्ट ईयर हमारा बिजनेस नहीं, कॉटन सीड ऑयल का बिजनेस कितने करोड़ रुपए का था और अगले साल क्या दिख रहा है, ये डिस्कशन होना चाहिए अपने यहाँ पे, कि इससे हम प्लान कर सकते कि अगर वो परसेंटेज बढ़ रहा है तो हमें अपना वॉल्यूम बढ़ाने का स्कोप है, अगर वो घट रहा है तो हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट आर द की फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्लोबल कॉटन सीड ऑयल मार्केट? जो इंडिया के बाहर मार्केट चल रहे हैं वो किस फंडामेंटल पे चल रहे हैं, क्यों लोग इतना कॉटन सीड ऑयल बाहर खरीद रहे हैं, तो उनका क्या रीज़न है? जो मैंने आपको पहले भी उसके यूजेस बताए, इसकी थोड़ी स्टडी हमें भी करनी चाहिए और एसोसिएशन को स्टडी करके अपने मेंबर्स के साथ में शेयर करना चाहिए। व्हाट आर द की मार्केट ट्रेंड्स इंपैक्टिंग द कॉटन ग्रुप? ट्रेंड क्या है, इस बात का डिफरेंस समझिए कि मार्केट क्या है। आज हम एक ही सवाल सबको पूछते हैं कि भाई मार्केट क्या लगता है, तो हम हमेशा आज की बात करते हैं। आज का भाव अगर मैं आपको बताऊं तो आप आपका बिजनेस कैसे प्लान कर सकते हैं? दोस्तों कोई एक जन मुझे बताए, मैं आपको बताता हूं कि आज रुई के भाव 48,000 है, आज आपका बिजनेस मुझे प्लान करके दिखाइए नेक्स्ट 6 महीनों में, आप नहीं कर सकते। हमें जो पकड़ना है वो ट्रेंड है, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हम अगर ऊपर चढ़ती साइकिल में सही समय में घुस गए तो पूरा बेनिफिट ले पाए, और हम उतरती साइकिल में रॉन्ग समय पे घुसे तो हमें पूरी मार पड़ेगी मंदी की। तो मार्केट के ट्रेंड को समझना है। एसोसिएशन और मेंबर्स कॉटन के हो या ऑयल सीड के हो, मैं सबको यही निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेंड के बारे में बात करिए, ट्रेंड के बारे में डिस्कशन करिए। नेक्स्ट 3 महीना क्या लगता है, 6 महीना क्या लगता है, वही आपको प्लानिंग में काम आएगा, उसी पे अपना बिजनेस चलाएंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस टू मार्केट ग्रोथ? एक इंडिविजुअल नहीं, मेरे बिजनेस के लिए क्या चैलेंज है बाद में सोचूंगा, मेरी मार्केट के लिए क्या चैलेंज है ये मेरे को पहले सोचना चाहिए, कि मेरी मार्केट आगे चल रही है नहीं, चलेगी या नहीं, और अगर चलेगी तो किस बिना पे चलेगी, बस वो ट्रेंड पकड़ ली। अगर आपको मालूम पड़ गया ये ट्रेन इंदौर जाती है और आपको अल्टीमेटली इंदौर जाना है, आप ट्रेन में चढ़ गए, आज नहीं तो कल इंदौर तो पहुंचने ही वाले। मार्केट अगर ग्रो कर रहा है और क्यों ग्रो कर रहा है वो आपने की पकड़ ली, तो बस आप समझिए कि मेन ताले की चाबी आपके हाथ में है। व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी? अब खुद पे आना है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी के बिना कोई बिजनेस हो नहीं सकता है, प्लानिंग के बिना कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। सरकारें तो आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, कुदरत अपना काम करेगी, ये दोनों अपने अपने हिसाब से गेम चेंजर्स हैं, थे और रहेंगे। लेकिन अगर सरकार ने GST लाया या फिर नोटबंदी लाया या कोई नया इशू लाया, तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे आज होना चाहिए, 1 महीने तक होना चाहिए। साल भर बाद हम इस चीज पे नहीं रो सकते कि वो हुआ ना इसलिए मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरे बिजनेस में कोई फ्यूचर नहीं। हमारे जैसे बहुत लोग ये बिजनेस कर भी रहे हैं और उसमें से कमा भी रहे हैं। एसोसिएशन उस एजेंडा को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, पर ऐसे इंडिविजुअल अपना बिजनेस बिल्कुल स्लो डाउन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप मार्केट में से बाहर निकले, आपकी जगह और कोई ले ले 100%, फिर वो जगह बनाने के लिए शायद 5 से 10 साल आपको लग जाए। तो डोंट गेट आउट ऑफ द मार्केट, मार्केट में रह के ही सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। नेक्स्ट कॉटन प्राइस ट्रेंड क्या रहेगा आगे, मैं उसके लिए कोई लंबी बातें आपको कहूँ, उससे सिंपल चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा कि मोस्ट प्रॉबली हम सबको, बहुत जनों को ये लगता है जो दिन रात
बॉटम में है कि मार्केट ऊपर लगता है। मैंने मेरे 27 साल के कैरियर में आज तक नहीं देखा कि करंट मार्केट से फ्यूचर मार्केट ऊंचा हो। करंट में अराइवल नहीं है, करंट में माल मार्केट में नहीं है, करंट में जैसे मैंने बताया स्टॉक नहीं है, नहीं जैसा है, एक महीने का भी स्टॉक नहीं है। फिर भी आज से दो महीने बाद का मार्केट, अक्टूबर और नवंबर का मार्केट, जब पूरा कॉटन मार्केट में आने वाला है, रोज की 30 लाख गांठ की अराइवल होने वाली, तब के भाव ऊंचे है, ये कुछ दर्शाता है, ये कुछ दिखाता है, ये दिखाता है कि आगे मार्केट स्ट्रांग है, आगे की डिमांड बहुत अच्छी है, और आगे क्रॉप कम ज्यादा भी हो तो भी डिमांड इतनी जल्दी कहीं जाने वाली नहीं है। तो इतने सालों में जो हमने नहीं देखा वो हम देख रहे हैं। इसमें हमारा ये अनुमान है कि मार्केट ट्रेंड एज फार एज कॉटन गोज स्ट्रांग लग रहा है, अप लग रहा है। नेक्स्ट, इसके कुछ रीजन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो है हायर MSP, गवर्नमेंट ने MSP 26% से बढ़ाया है। आज कोई भी जिनर मंजीत भैया इसको एंडोर्स करेंगे, 44,000 के नीचे कोई रुई हो गई तो आप जिनिंग नहीं कर पाए। और सीड को भी 2,000 रुपये रहना जरूरी है, अगर सीड उससे भी नीचे गया तो आप जिनिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात जो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं गई है वो जिनिंग आउटटर्न और ऑयल आउटटर्न का है। क्या हमारा फोकस जिनिंग आउटटर्न पे है, क्या हमारा फोकस सीड इंडस्ट्री पे है? कॉटन का आउटपुट सीड सॉइल और वेदर तीन चीज पे है। सॉइल तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो फार्मर अपने हिसाब से कर रहा है। वेदर अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मानसून हमने देख लिया, वो जैसे आएगा वैसे हमें मिलेगा। लेकिन सीड के बारे में, कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री जो हम बोलते हैं, जब अपने आपको हम सीड वर्ड हम यूज करते हैं, आपने सीड में कुछ चेंजेस हो उसके लिए कुछ किया है, आप कुछ कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, आपको ऐसे सीड चाहिए जिससे ऑयल कंटेंट ज़्यादा मिले? वर्ल्ड में क्या ऐसे सीड है जिससे ऑयल कंटेंट ज़्यादा मिलता हो, 8-9%, 6-7%, फर्दर में 2-3-5%? क्या यही हमारा पास था, यही प्रेजेंट है, यही फ्यूचर रहेगा? क्या आप इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या इससे आप पैसे आगे कमा सकते हैं? देन स्टे विद, फिर इसी के साथ रहें। अगर आपको लगता है इससे बेटर होना चाहिए तो इसके लिए आप फाइट करिए, इसके लिए आप स्टडी करिए। अब फॉरेन कंपनीज इंडिया से जा रही है, इंडियन कंपनीज ही सीड में रह जाएंगी तो अपनी बातें सुनी जाएंगी। गवर्नमेंट को भी जरूरत है कि वो इंडस्ट्री से काफ़ी सुझाव मंगा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अभी कुछ कर रहे ऐसा दिख ना भी रहा हो तो सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो अपनी रिक्वायरमेंट बताइए जिनिंग इंडस्ट्री को, ये बोलना है कि हमें जिनिंग आउटटर्न हायर हो। क्यों मुझे दिया जिनिंग आउटटर्न? BCS में मैंने देखा रतलाम में 29 का जिनिंग आउट, ऐसे जिनिंग आउटटर्न में जिनिंग सुसाइड है। अगर 55,000 के आज के भाव में जिनिंग करता हूँ, कल 58,000 नहीं हुआ तो मैं तो डूबने वाला। वैसे ही ऑयल मिल का है, ऑयल कंटेंट इतना कम रह के हम अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर नहीं देख सकते, इसका ऑयल कंटेंट बढ़ना होगा। ऐसे सीड इंडिया में आए हैं जिनका जिनिंग आउटटर्न अभी 37 of 38 कंपनी गारंटी कर रही है। तो ऐसे सीड को फार्मर्स की तरफ प्रमोट करना चाहिए, ऐसे सीड को सरकार को हमें प्रेशर करना चाहिए कि आप उसको प्रमोट करिए, उसको फार्मर के लिए हो सकता है सब्सिडाइज करिए। इससे हम सबका फायदा होगा, फार्मर भी सुखी होगा क्योंकि उसका माल ऊंचे रेट में बिकेगा, जिनर भी खुश होगा क्योंकि आपकी तरफ उसके सीड ऊंचे रेट में बिकेंगे और आपको फायदा होगा, वो तो है ही। दूसरा है स्पेकुलेटर्स। मैंने बहुत सुना आज NCDX आया और इस मार्केट को ले डूबा, बहुत सारे लोगों ने अपने कंसर्न शेयर किए। आपके बिल्कुल चिंता सही है, कंसर्न सही है कि अगर वायदा बाजार अपने हाजिर बाजार को चलाने लग जाएगा तो अपना बिजनेस हम फैक्ट्री वाले कैसे प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड यही हो रहा है, कॉटन मार्केट भी स्पेकुलेटर ही चला रहे हैं। अब मैनेजमेंट जो मैंने किया था मैनेजमेंट का कोर्स, उसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक है डिमांड और एक सप्लाई। पर आज डिमांड और सप्लाई के साथ में एक और चीज़ जुड़ गई है, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव फंड्स। ऐसे फंड्स हैं जो आप मेरे से नहीं, सरकार से भी ज़्यादा पैसे बिजनेस में डालते हैं, सरकार के भी ज़्यादा पैसे उनके पास 70-80,000 करोड़ रुपए हैं स्पेकुलेटिव फंड के पास। इंडिया की टोटल कॉटन मार्केट ही 70,000 करोड़ रुपीज की है। तो वो फंड आज बिजनेस में हैं, वो रहने वाले हैं, इनके साथ में रह के हमें बिजनेस करना है। हम ये अपोज करेंगे कि ये एक बंद कर दे, बंद हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट्स के बारे में भी सोचना है, किसान के बारे में भी सोचना है और हमारे बारे में भी सोचना है। तो स्पेकुलेटिव फंड्स रहने वाले हैं, ये एक्सचेंजेस रहने वाले हैं, ये एक्सचेंजेस में बिजनेस होने वाले हैं। इसको हम किस तरह ले अपने बिजनेस में,
हम इसको कितना यूज करें उसको हेजिंग के सिवा कोई हिसाब से और यूज एक मैन्युफैक्चरर को नहीं करना है. मैन्युफैक्चरर के लिए सिर्फ एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट रिस्क मिटिगेटिंग मतलब रिस्क से बचने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं. तो ये फंड्स अभी कर रहे हैं. क्रॉप डैमेज जो हमने बताया अभी इंडिया में हालत है, अमेरिका में भी वही हालत है. आज की तारीख में कैलिफोर्निया में स्नान करने पे टैक्स है. उधर खेती के लिए अगर आपको पानी चाहिए तो उसका ऑप्शन होता है. मेरे फार्मर फ्रेंड ने $1.5 लाख में पानी खरीदा टेक्सास में अपने खेत में पानी देने के लिए. आज ये परिस्थिति वहां भी है, यहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हालत है, पाकिस्तान में भी ये हालत है. तो क्रॉप की पोजीशन बहुत पॉजिटिव हम नहीं कह सकते. लास्ट ईयर से वर्ल्ड में क्रॉप थोड़ा कम ही होगा पर कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसलिए हमने प्राइस ट्रेंड हाई दिखाया. चाइना का जो रिजर्व स्टॉक है, आप लोगों को बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होगा, चाइना तो कॉटन में, यार्न में, फैब्रिक में, गारमेंट्स में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर है. उसका रिजर्व स्टॉक लास्ट 5 साल में जो था वो उसका आधा हो चुका है. तो अब चाइना भी एक नया बायर के हिसाब से आ रहा है. एक्सट्रीमली लो एंडिंग स्टॉक इन इंडिया, ये मैंने आपको पहले बताया, कॉटन एसोसिएशन ने बताया कि 20 से 25 लाख इस साल के अंत में नहीं रहने वाली. नेक्स्ट. तो अंत करते हुए कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स जो अब तक हमने बात की शॉर्ट में देखते हुए, कॉटन प्राइसेस लुक बुलिश इन द न्यू सीजन. कॉटन प्राइसेस आगे बढ़ते लग रहे हैं, मार्केट स्ट्रांग होने लग रही है. मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था ट्रेंड को समझिए, मैं एग्जैक्ट भाव पे नहीं जाऊंगा, बट ट्रेंड बढ़ता हुआ है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कॉटन सीड ऑयल, क्योंकि रॉ मटेरियल में देखते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखते हुए, इम्पोर्ट पॉलिसी देखते हुए इसके भाव बढ़ने चाहिए, ये उम्मीद सरकारी एजेंसी ने भी दर्शाई है, हमें भी लगता है. फ्यूचर फॉर द इंडियन कॉटन ऑयल इंडस्ट्री लुक्स गुड बिकॉज स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है अपने पास और एक्सपोर्ट में डिमांड, मतलब दूसरे देशों को उसकी एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ रही है. तो अचानक ही फॉरेन में भाव गिर जाए और वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाए वो भी चांसेस कम लग रहे हैं. इम्पोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो हेल्पफुल है. टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनलिज्म विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ प्लेटफॉर्म. एक अकेला आदमी भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है, अगर उसके पास सिस्टम्स है. हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी बैठ के IPL की मैच देखता है पर हम अपना फोन छोड़ के स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं, 3-3 मोबाइल रख के घूमते हैं. एक टाइम पे मैं भी रखता था. हमें लगता है कि एक भी फोन मिस हो गया तो हमारा बहुत बड़ा बिजनेस मिस हो जाएगा. ये प्लानिंग की कमी है दोस्तों. तो हमें अपना बिजनेस अगर सिस्टम से, प्लानिंग से और टेक्नोलॉजी से किया तो 100% हमारी प्रेजेंस ऑफिस में नहीं, हमारे कस्टमर के घरों में ज़्यादा रहेगी, हमारे फील्ड पे ज़्यादा रहेगी, हम नॉलेज ज़्यादा ले पाएंगे और रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ा पाएंगे. नेक्स्ट. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे अंत करूंगा. ये सब साथ में मिलके ही हो सकता है. अकेला आदमी इतना बड़ा डिफरेंस कर नहीं सकता पर शुरुआत अकेले से ही होगी. अकेला आदमी शुरू तो कर ही सकता है. सो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस टू मेक सस्टेनेबल वर्ल्ड. हम जो भी करें वो ऐसा करें कि लॉन्ग टर्म हो, सिर्फ आज फायदा हो नहीं, लॉन्ग टर्म फायदा होना चाहिए दोस्तों. नेक्स्ट. ये हमारा मिशन एंड पर्पस है कॉटन गुरु का. फार्मर्स को हेल्प करना, यील्ड बढ़ाना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंडस्ट्री को हेल्प करना, अच्छा रॉ मटेरियल ढूंढ के लाना और कॉटन को एक नेचुरल इको फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पेड़ काटो तो 20 साल में उगते हैं, कॉटन काटो तो हर साल उगता है और ये आज नहीं 7,000 साल से हो रहा है. तो कॉटन को जिस जिस प्लेटफॉर्म पर मैं जाता हूँ प्रमोट करता हूँ. मैं बहुत सालों से कहता रहा हूँ प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट पेपर नहीं है, कॉटन बैग ही है. महाराष्ट्र में ये बैन अभी आ चुका है, प्लास्टिक पे आ चुका है. गवर्नमेंट अभी पेपर के बदले कॉटन को प्रमोट कर रही है. टिश्यू पेपर जो हम रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, हजारों झाड़ काट के बनाए जाते हैं. पेपर बैग जो हम यूज करते हैं, लाखों झाड़ काट के बनाए जाते हैं, पर कॉटन के लिए झाड़ नहीं काटने पड़ते. कॉटन प्लांट पे उगता है, प्लांट और झाड़ में जमीन आसमान का फर्क है. तो कॉटन को प्रमोट करिए हर प्लेटफॉर्म पे, कॉटन ऑयल को प्रमोट करिए हर प्लेटफॉर्म पे, देखिए अपना बिजनेस कैसे बढ़ता है. नेक्स्ट. इसके लिए दो लाइन. डिफिकल्टी इज लाइक अ बैग फुल ऑफ कॉटन. मुश्किलें क्या है? मुश्किलें अगर सामने वाला देखता है तो मैं बहुत बड़ी गठड़ी लेकर घूम रहा हूं. मुझे पता है उस गठड़ी के अंदर कपास है, कपास में कितना वेट होता है ये भी मुझे मालूम है. तो
कितना भी बड़ा गड्ढा हो या गड्ढी हो उसमें इतना वेट नहीं हो सकता कि मैं उसे नहीं उठाऊं अगर वो कपास से भरी है. तो डिफिकल्टी लाइक बैग फुल ऑफ कॉटन हैवी फॉर दोस टू सी. जो देखते हैं उनको लगता है बहुत हैवी है पर जो उठाते हैं उन्हें मालूम है ये लाइट है. बिजनेस खुशी से कीजिए, मस्ती से कीजिए, प्लानिंग से कीजिए. थैंक यू.